भाई मैंने आपसे ना बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। हेलो, हेलो, शुक्र है तुम्हारी आवाज तो सुनने को मिली। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रोहेल, बट पापा इज नॉट वेल। ओह सर्जरी हुई थी ना उनकी, तो हम लोग तो यही उम्मीद कर रहे थे कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर है, ट्यूमर में फिर से ग्रोथ हो गई है और इन्फेक्शन भी है। डॉक्टर यही कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक फिर से सर्जरी करनी पड़ेगी। बस रोहेल तुम प्लीज दुआ करना सब कुछ ठीक हो जाए। और हम शायद दुआ तो कर रहा हूँ, लेकिन ऑनेस्टली जिस बहादुरी से तुम और तुम्हारे डैड इस बीमारी का मुकाबला कर रहे हैं ना, वो बहुत इंस्पायरिंग है। मैं तुम्हें कहा था अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं आ जाता हूँ, लेकिन तुमने मना कर दिया था कि मेरी ऑफर अभी तक वैलिड है। प्लीज लेट मी नो इफ यू नीड मी, मैं आ सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, ट्रस्ट मी। नहीं नहीं रोहेल, इट्स ओके, सब है ना यहाँ पे, चाचा है, पप्पू हैं, सब तो है यहाँ पे। चलो फिर तुम बीजा उनको कॉल कर लेना, बहुत फिक्रमंद रहती हैं तुम्हारे लिए। मैं कर लूंगी। अच्छा सुनो रोहेल, मैं ये कह रही थी कि मुझे तुम्हारे सारे मैसेजेस मिले हैं, मैंने तुम्हारे सारे मैसेजेस देखे हैं, लेकिन बस थोड़ा बिजी थी ना पापा की वजह से, इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, तो आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, आई अंडरस्टैंड तुम जिस फेज से गुजर रही हो, बस जब भी वक्त मिला करे कॉल कर लिया करो। अब रोहेल पता नहीं क्यों, रोहेल आई डोंट नो, मैं आजकल पता नहीं कुछ कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज किस वजह से? शायद हो सकता है कि मेरी कंफ्यूजन की वजह मेरा और तुम्हारा रिश्ता हो, जो आज तक कभी मजबूत हो ही नहीं सका। ऐसा नहीं है रमशा, आई एम विद यू। लुक रोहेल, मुझे लगता है कि हमें हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। ओके बाय।